Hi friends, so my this particular video is related to announcement of the dates जो निकाला है हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन ने. डेट्स आर ऑलरेडी आउट नाउ एंड आप जानते हैं इलेक्शन ईयर है हरियाणा में. बहुत से स्टूडेंट्स की अप्रीहेंशन थी कि इलेक्शन ईयर है, गवर्नमेंट चेंज हो जाएगी तो जॉब्स जो निकाली हैं वो ये रिक्रूट करेंगे या नहीं करेंगे. लेट मी टेल यू, जब पब्लिक सर्विस कमीशन ने आपको डेट्स दे दिए, जब अनाउंस कर दिया डेट्स, तो ऑब्वियसली वो उसका एग्जाम कंडक्ट करवाएंगे. उन्होंने इंटरव्यू तक मेंस का सारा डेट दे दिया. वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग, जो स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं प्रीलिमिनरी की, जैसे आईटीआई प्रिंसिपल का एग्जाम है 15 सितंबर को डेट है, 6 अक्टूबर को मेंस का टाइम दे दिया उन्होंने. दैट मीन्स यू हैव ओनली 20 डेज नाउ टू प्रिपेयर फॉर मेन्स ऑफ आईटीआई. पहले स्टूडेंट्स को लग रहा था कि प्रीलिमिनरी देंगे और अगर प्रीलिमिनरी अच्छा हो जाएगा तो हम मेन्स की तैयारी करेंगे और मेन्स दे लेंगे. बट लेट मी टेल यू, यू डू नॉट हैव टाइम नाउ. और मैंने जो दो बच्चे सिलेक्ट हुए थे, जो दो कैंडिडेट सिलेक्ट हुए थे हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन में एनवायरनमेंट के लिए, उनका भी डिटेल में वीडियो डाला हुआ है. आप ध्यान से सुनो क्या बोल रहे हैं. प्रीलिमिनरी इज नॉट द मेन चैलेंज, मेन चैलेंज इज द मेन्स ओनली. आपके मार्क्स में मेन्स के जुड़ेंगे, तो अगर मेन्स के आपके मार्क्स जुड़ने हैं तो आपको मेन्स में अच्छा परफॉर्म करना इज वेरी इंपॉर्टेंट. इसलिए यू नीड टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर योर मेन्स ऑल्सो. तो अब जो आपको कंटेंट मिला हुआ है आईटीआई का, उसकी मेंस की भी प्रिपरेशन साथ साथ तैयारी करो, तभी तुम्हारा ये निकलेगा एग्जाम. 20 दिन बहुत कम होते हैं और 15 सितंबर को जैसे तुम्हारा प्री होगा इमीजिएटली मेंस के ऊपर फोकस करना स्टार्ट कर देना. और अभी भी जो कंटेंट तुम्हें मिला है वो प्री और मेंस दोनों के हिसाब से तैयारी करो. मैं शेयर करता हूँ अपनी स्क्रीन अभी, और ये जो नोटिफिकेशन जैसा कल आया है इसके डेट्स का, ये मैं आपको अभी बताता हूँ. आई थिंक इट इज विजिबल टू यू नाउ. अब ये देखिए, तुम्हारे डेट्स का जो निकला है ये हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन ने ऑलरेडी निकाल दिया है डेट सारा, और ये है उसका डेट्स. ये अलग अलग एग्जाम जिनका इंटरव्यू का डेट भी दे दिया हुआ है, जिनका टेस्ट का डेट भी दे दिया हुआ है. ये देखिए, नंबर 9 और नंबर 10 हमारी डोमेन जो इंजीनियरिंग की है, असिस्टेंट इंजीनियर एग्रीकल्चर, असिस्टेंट इंजीनियर इरीगेशन, उसका डेट दिया हुआ है. सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट मतलब मेन्स, और इंटरव्यू आप उसके बाद होगा. स्क्रीनिंग टेस्ट मीन्स प्रिलिमिनरी. तो असिस्टेंट इंजीनियर इरिगेशन 8 सितंबर को प्री है और 30 सितंबर को उन्होंने बता दिया आपका मेंस है. सिमिलरली 11 नंबर असिस्टेंट इंजीनियर मैकेनिकल मोटर व्हीकल ऑफिसर, 12 नंबर स्क्रीनिंग टेस्ट मीन्स प्रीलिम, सब्जेक्ट नॉलेज मीन्स मेंस, इंटरव्यू अक्टूबर के अंदर. तो सारा डेट दे दिया. ये स्टूडेंट्स जो बाकी ब्रांचेस हैं, और ये तुम्हारा जो आईटीआई वाला है 16 नंबर आईटीआई, 15 सितंबर को आपका प्री है जिसके लिए सब लोग तैयारी कर रहे हैं, और 6 अक्टूबर को इसका मेंस है. तो कितने दिन मिले तुम्हारे पास? 20 दिन बस. तो अभी से प्रिपरेशन करना स्टार्ट करो और मॉड्यूल जो है योर पीडिया का उसको गो थ्रू करना स्टार्ट करो अगर तुम्हें सिलेक्ट होना है. मैं पहले बता चुका हूँ कि जिन बच्चों ने फॉर्म भरा हुआ है आईटीआई का, दे आर वेरी वेरी लकी बिकॉज नंबर ऑफ सीट्स आर वेरी आई मीन बहुत ज्यादा है इसमें नंबर ऑफ सीट्स. तो अगर आप इसमें कन्वर्ट कर पाए तो नथिंग लाइक दैट, इट विल बी वेरी गुड फॉर यू. तो इसको तैयारी करना स्टार्ट करो फ्रेंड्स. सारे के सारा उन्होंने दे दे रखा है तुम्हें सारा. सो आई थिंक दैट्स द इंफॉर्मेशन. और इसको अब अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करो, और अभी तक अगर आपने स्टार्ट नहीं किया तो स्टार्ट कर दो. यू कैन श्योरली क्लियर दिस पर्टिकुलर एंटायर एग्जाम, प्री मेंस इंटरव्यू, सारे के सारे स्टेजेस आप क्लियर कर सकते हैं. अपना 100% दो एंड देन क्लियर इट. ऑल द वेरी बेस्ट एंड लुक फॉरवर्ड टू मेंटरिंग फॉर दिस एग्जाम.